समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, हर चीज हाथ से निकलती जा रही है। बस हो ही गया था हसन, चिंता मत करो। बस एक आखिरी बचा है। देखिए डॉक्टर, बहुत हो चुका, मैं कोई और टेस्ट नहीं करवाऊंगा। बस एक ब्रीदिंग टेस्ट बचा है, तो चलें। अदालत, मत भूलो कि मैं यहाँ तुम्हारे आया था, मुझे और कोई टेस्ट नहीं कराना। हसन, मैंने कहा ना, मुझे अब तंग मत करो, मेरा मजाक मत बनाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक गॉड सभी टेस्ट ठीक है, मैं चेक करने वाला था पर। चलो, लगता है इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। टेक केयर मिस्टर तहसीन, अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। तो आप कब आ रहे हैं हमारे पोते सलीम की धड़कन सुनाने? मुझे बता जरूर दीजिएगा। मिसेस जाहिदा मेरे पास अभी तक आई नहीं। नहीं आई? पापा, मैंने अपना पहला चेकअप इस्तांबुल में किया था, मैं डॉक्टर पे ट्रस्ट करती हूँ, आगे भी उन्हीं से चेकअप करवाऊंगी। मैंने ये हॉस्पिटल दूसरों के लिए नहीं बनवाया है, बेस्ट डॉक्टर्स और डिवाइसेस क्यों लाई आखिर, किसके लिए? और तुमने कहा इसलिए हमने डॉक्टर नदीम को यहाँ पर बुलाया और कहा कि तुम उसे यहाँ चाहती हो, अब क्या हुआ? और अब जब वो इस हॉस्पिटल में है, फिर आखिर तुम इतनी दूर ड्राइव करके क्यों जा रहे हो? पापा सच कह रहे हैं चाहे दे, यही सेंसिबल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो। सुहान, क्या मैं जाकर उसे खाना देकर आऊं? पहले उसे जाकर पूछ लो। पर मुझे कोई बात नहीं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? पर तुम रो क्यों रही हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतने टाइम बाद मुझे ये मौका मिला है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसी हॉस्पिटल में जाऊँ जिसका गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन आप लोगों को लगता है तो फिर मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग उसे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, वो जहाँ जाना चाहती है उसे जाने दो, बात मान लीजिए पापा। कम ऑन सुहान, विंटर्स में मुश्किल होगा, वो हॉस्पिटल बहुत दूर है। हाँ बात तो सही है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त किसी ना किसी को तो साथ में रहना चाहिए, है ना? मैं सोच रही थी कि हम विंटर में निशान तसी में रहने जाएं। तुम प्लीज रो मत, बाद में हम देख लेंगे। सॉरी पापा, ये हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है ठीक है, जो करना है करो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। थैंक यू पापा। अब तो ये आंसू पोछ लो, पता है मुझे ये हॉर्मोन्स बहुत पसंद है। प्लीज ये आंसू पोछ लो। कहाँ है वो? दरवाजा बंद है, उन्होंने कहा कि वो नहीं खाएंगे। उसे दर्द हो रहा है क्या? मुझे लगता है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, गेस्ट होने के नाते वो जानता है कि हमें भी अपना वक्त चाहिए। किसी को कोई शक है? बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी वो एक स्ट्रेंजर है। बिल्कुल सही। शुरू करें। हाँ बोलो, क्या? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? सुहान, अब बस बहुत हुआ, कल के बाद अब बचा क्या है? देखो, एक्चुअली मैं कल बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे लगता है गलती मेरी थी, मुझे ही तुम्हारे प्रपोजल का इंतजार करना चाहिए था, है ना? हाँ शायद। तो फिर मुझे लगता है कल जो मैंने किया हम दोनों के लिए सही किया, मुझे कॉल करना जब हम दोनों ढंग से बात कर सकते हैं। सुहान, अच्छा मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है,
तुम इस्तांबुल में हो? हाँ, मैं इस्तांबुल में हूँ, और शायद कल मैं स्पेन जा रहा हूँ, पता नहीं, अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है मैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी। मुझे एक फ्रूट कॉकटेल चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना अल्कोहल के। पता नहीं कौन मुझे जिंदा जलाना चाहता था दलित। शहर के लोग क्या मुझसे इतनी नफरत करते हैं? पर तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो? क्योंकि मैं किसी और तहसिन को भी जानती हूं, एक अलग चेहरा जिसे लोग नहीं देख सकते। पर तुम जानती हो ना मैं कैसा इंसान हूं। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा दिल अच्छा है। और अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा बनना चाहता हूं, तो क्या वो कहेंगे कि मैं मौत से डरता हूं? मैं बूढ़ा होने से डरता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कुछ भी कोई भी मेरा है अदालत। मेरे दुश्मनों के अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ रहना जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जिसने पापा की जान ली उसे सामने देखना बहुत मुश्किल है। पर मुझे ही कुछ करना होगा। आई मिस यू बेटा। आई मिस यू टू मॉम डैड। याद आ रही है आपकी। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है मां? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, प्रॉमिस। मेरा बच्चा। रूम से निकला ही नहीं। अच्छी बात है। और केमाल इस वक्त कहाँ है? वो जले हुए घर की देखभाल कर रहा है। पर वहाँ क्यों? वो किसी के भी सामने आना नहीं चाहता, और मिस्टर तासिन कब क्या कर सकते हैं पता नहीं, और किसी के सामने ना आना एक तरह से बेहतर भी है। We'll be right back.
एम्बुलेंस से कुछ बात हुई क्या? वो स्पेन जा रहा है। ओ अच्छा, अब फाइनली तुम्हें और सीजर को वक्त बताने का मौका मिलेगा, फिर बनेगी सीजर और सुहान की लव स्टोरी। वाह क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो यूनिवर्स भी यही चाहता है कि तुम दोनों एक साथ रहो, और तुम्हारे पापा वो भी अपने घुटनों पर है और उसे अपना हीरो बना दिया है। ये लो पीछे मुड़ो, मैं बांध देती हूँ। सुहान जिद मत करो और मुझे एक बात सच सच बताओ, मना मत करना ठीक है, सीजर अच्छा लड़का नहीं है क्या? वो अपनी लॉयर गर्लफ्रेंड के साथ खुश रह सकता है। अरे हाँ वो लड़की बनू वारदार, मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था। ओ, तो तुमने ये सब भी कर लिया? हाँ, जैसे कि तुमने चेक नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सुहान, शायद वो नहीं जानती कि सीजर यहाँ पर है ना, शायद उसने नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। मैं उनके रिश्ते के बारे में जानना चाहती हूँ, दोनों कहाँ मिले होंगे, या शायद वो उसके करीब ही नहीं है, है ना? शरीन बहुत रात हो गई है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब जाओ। अच्छा ठीक है, अंदर हो जाओ। उम्मीद करती हूँ कि भगवान तुम्हारे लिए कोई ऐसा ढूंढे जिसे तुम चाहती हो, भले ही वो लड़का सीजर ना हो, लेकिन कोई ऐसा लड़का जो जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ ना छोड़े। गुड नाइट। गुड नाइट। अपना दरवाजा खुला ही छोड़ देना, नहीं तो अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो तुम सुन नहीं पाओगी। सुहान उठो 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 उठो, जल्दी जल्दी उठो। सुहान मैंने कहा ना उठो, कोई गेस्ट आई है। कौन है? सीजर की गर्लफ्रेंड। हाँ मैडम लॉयर सुबह सुबह ही आ गई थी, माँ ने उसे देखा और कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। सोचो वो दिन के उस वक्त में भी इतनी अच्छी दिख रही थी। तुमने उसे नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, वो सीधा सीजर के रूम में ही चली गई। तुमने प्रॉमिस किया था तुम कुछ नहीं करोगे, फिर आखिर तुम इस घर में कर क्या रहे हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है, तुम पागल हो चुके हो सीजर। तो तुम मुझे यहां देखने के लिए नहीं, मुझे डांटने के लिए आई हो? देखो आग बिना किसी वजह के नहीं लग जाती, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की है, या फिर तासीन कोलोदाग को। hey, सिरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं देख रही थी कि तुम जाओ अपना काम करो। गुड मॉर्निंग, आप नाश्ता नीचे करेंगे या फिर मैं उसे यहीं पर लेकर आऊं? अगर सब जागे हुए हैं तो मैं धीरे धीरे नीचे आता हूँ। हाँ आराम से आ जाइए। अच्छा सुनो ना, ये बानू सिरीन, सिरीन दुल्हन के रूप में हमारे घर आएगी, किमाल की फियांसे है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी।
शिरीन? हाँ मैं यहाँ पर हूँ। गुड मॉर्निंग। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम इतनी आसानी से कैसे बैठे हो। उन्हें पता चल गया तुम कौन हो तो पता चलने दो ना उन्हें। मैं भी तो बिल्कुल यही चाहता हूं। सब कहां पर है? सब गार्डन में नाश्ता करने गए हैं। कोई भी इतनी आसानी से सीजर को अपने घुटने पर नहीं ला सकता। सच कहा ना सीजर। मुझे नहीं पता था कि प्लेन से उतरने के बाद मुझे इतनी बुरी खबर मिलेगी, इसलिए मैं सीधा यहाँ चली आई। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा मिस बनू से मिलो। गुड मॉर्निंग। हाय आई एम सुहान। ना ये मेरी दिल की धड़कन है। बानु वारदार, मिलकर खुशी हुई। कुछ सीरियस तो नहीं है? नहीं कुछ ज्यादा नहीं, सीजर ने संभाल लिया। क्या तुम्हें कुछ पहनने के लिए कंफर्टेबल चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू, मैं वैसे भी निकल ही रही थी। अच्छा हाँ एक्चुअली इससे सच में थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ मेरी कल सुबह बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो भी शुरू करो। क्या हम कोरहान के लिए नहीं रुकेंगे? वो आज सुबह ही शहर के लिए निकल गया। हमारे पास इस्तांबुल में भी एक घर है। ओह हाँ सुहान ने बताया था। मुझे वो शहर पसंद नहीं, मैं वहाँ एक घंटा भी नहीं बिता सकता। वैसे भी अपने खुद के सिटी को छोड़ना बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप। हाँ पर अपने फार्म पर मैं जिंदगी गुजार सकता। अच्छा तो फिर मैं फार्म देखे बिना यहाँ से जाने नहीं वाली। बिल्कुल। सीजर तुम्हें ले जाएगा। तो शुरू करें। अपना ख्याल रखना ठीक है? तुम चिंता मत करो। यह आदमी सच में बहुत ही चालाक है। वो लड़की उस आदमी को खत्म कर सकती है। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ शायद ऐसा हो सकता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बच्चे हो क्या? ये करने की जरूरत क्या थी? ताकि तुम यहाँ सेफ रह सको। आराम से जाना। मैं वर्कशॉप जा रही हूँ। ठीक है बाय बाय। बाय। क्या आपको मेरी जरूरत है मिस्टर तासीन? नहीं। सुहान क्या मुझे घर पर ड्रॉप कर दोगी? मुझे वहाँ का हालचाल देखना है। मैं गाड़ी नहीं ले जा रही, पापा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तुम्हें अपना घर देखना है? चलो चलते हैं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही होके आता हूँ।
हाँ।